भी आशा करती हूँ तक अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से मेरे एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस आज हम खाना का वीडियो नहीं बना रहे हैं, आज हम एक पुराना साड़ी का यूज करके बहुत सुंदर सा सिंपल सा पायदान बनाएंगे। वो भी 5-10 मिनट में तैयार हो जाएगा। इस पर स्क्रीन कट लगाओ और पारो जैसा छोटी बना, बस पायदान बन के तैयार। तो ये देखिए गाइस, हम पुराना साड़ी ले लिए हैं और इसी साड़ी का हम पायदान बनाएंगे। तो ये भी मेरी वीडियो को आप लोग पूरा दिखेगा गाइस, हम कैसे कैसे बनाते हैं। और अगर अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस साड़ी से हम बनाने वाले हैं पायदान। इस साड़ी को कुछ नहीं, बस 3 भाग में इसको काटना है। तो चलिए पहले इसको काट लेते हैं, इसको 3 भाग में फिर बांट लेते हैं। देखिए ये देखिए साड़ी, इसको 3 भाग में बांट लेना है। देखिए 3 भाग में इसको बांट लिया, इसको कट लगा लेते हैं। तो देखिए इसको काट देते हैं। और देखिए काट लिए हैं इसको 3 भाग में। देखिए इसको क्या करना, फाड़ देना है। देखिए 3 भाग में काट लिए इसको। अब इसको गोला बना लेंगे। तो देखिए 3 गोला बना लिए हैं। ये अब करना क्या है, तीनों को लेके इसका तीनों को लेके जैसे ये देखिए तीनों को हम बांध लेना है, तीनों को पकड़ के। इस तरह से करके तीनों का छोर यहाँ बांध लेना है। तो इसको हम बांध लेते हैं। इसको मैं गांठ लगा दी है। अब बस इसमें कुछ करना नहीं है, जिस तरह बालों का चोटी बनाते हैं उस तरह से ऐसे ऐसे करके बालों का चोटी बना लेना है। इस तरह से चोटी बना लेना है। देखिए अब इसको हम किसी कोई भी दरवाजा वगैरह खिड़की वगैरह में इसको बांध के चोटी बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। इस तरह फंसा लिए हैं, इस तरह से देखिए जैसे आप लोग भी फंसा के चोटी बना सकते हैं। देखिए दरवाजा इस तरह फंसा लिए हैं। ये देखिए इसी तरह से चोटी बना लेना है। तो पूरा चोटी ये देखिए यार, हम सारा का चोटी बना लिए हैं। इसको रखना और दुपट्टा लेना है, इसका भी 3 भाग में कट लगाना है। तो देखिए इसको भी 3 भाग में कर लिए हैं।
अभी जो चोटी बनाए थे इसका, इसका जो छोड़ा इसमें तीनों में सिलाई, इसमें सिलाई कर देना है तीनों को अलग अलग, जैसे क्या बनेगा इसका बॉर्डर बनेगा। तो हम तीनों में सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिएगा तीनों में हम सिलाई लगा लिए हैं। देखिए अब इसको भी चोटी बना लेना है, इसे इसी के तरह दुपट्टा का भी चोटी बना लेना है। तो बना लेते हैं चोटी इसका। तो ये देखिएगा इतना लंबा चोटी बना लिए हैं। देखिए अब इसमें कुछ करना नहीं है, अब इसका सिलाई करना है। तो सिलाई करके आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से करके सिलाई करना है। इस तरह से करते हुए लंबा थोड़ा सा इसमें सिलाई करना है। ये व्हाइट व्हाइट लाइनिंग किया हुआ है इसलिए व्हाइट कलर का धागा लिए हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से इसमें लंबा देना है। एक वीडियो में इस तरह का बनाया है तो उसमें गोल गोल डाले थे गाइस, और इसमें थोड़ा सा लंबा लेना है तो ये अंडाकार बनेगा। और इसमें जो है दुपट्टा इसलिए दिए हैं क्योंकि इससे दुपट्टा से बॉर्डर बनेगा, तो ये थोड़ा सा अंडाकार बनेगा इसलिए देखिए थोड़ा सा लंबा दिए हैं। और एक गोल वाला वीडियो भी बनाए हैं। इसी तरह से पूरे में सिलाई करना है। तो ये देखिए गाइस बन के तैयार हो गया है। ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और तुरंत मिनटों में बन के तैयार हो गया। कितना ही आसान सिंपल से तरीके से तुरंत बन के तैयार हो गया। तो ये कैसा लग रहा है गाइस देखने में कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा मेरी वीडियो में। आप लोग कमेंट नहीं करते गाइस, प्लीज़ मेरे वीडियो में भी कमेंट कर दीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर सा बन के तैयार हो गया है। तो देखिए इसको बेड पर अच्छे से रखिए, इसे पैर पोछिए, कितना ही सिंपल सा आसान तरीके से बन गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। तो मेरा वीडियो कैसा लगा गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।